भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के ट्वीट से झारखंड की राजनीति हुई गर्म। चंपई सोरेन को सीएम पद छोड़ने का आया फरमान। हेमंत सोरेन कल्पना सोरेन को देना चाहते हैं सीएम का पद। क्या कल्पना सोरेन के लिए चंपई छोड़ेंगे सीएम पद? इस वीडियो में आप बने रहे, हम आपको इस खबर की पूरी जानकारी बताते हैं। नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश पोद्दार। जैसा कि आपको पता है, लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है, जहां सभी सीटों के चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है और घोषणा होते ही नेताओं ने दल बदल भी कर लिया है। पर इसी बीच झारखंड की सियासत में एक बार फिर खेला हो सकता है। दरअसल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने यह दावा सोशल मीडिया के जरिए किया है। निशिकांत दुबे ने अपने एक्स पर पोस्ट कर झारखंड की राजनीति को और भी गर्म कर दिया है। इधर जैसा कि आपको पता है, बीते दिनों झारखंड की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ था। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। हेमंत के इस्तीफे के बाद सीएम की कुर्सी के लिए पार्टी के अंदर कलह सामने आई थी। चर्चा यह थी कि हेमंत अपनी पत्नी कल्पना को सीएम की कुर्सी देना चाहता है, मगर परिवार में इसे लेकर बगावत हो गई, जिसके बाद जेएमएम ने चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया। मगर एक बार फिर कल्पना के नाम की चर्चा झारखंड के राजनीतिक गलियारों में शुरू हो गई है। दरअसल झारखंड की सियासत में कल्पना के नाम की चर्चा फिर से शुरू होने की वजह बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे। दरअसल उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, पिछले दो दिन झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन किसी सरकारी या पार्टी के कार्यक्रम में नजर नहीं आ रहे। सूचना अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने उन्हें कल्पना सोरेन जी के लिए मुख्यमंत्री पद छोड़ने का फरमान जारी किया है। सीता सोरेन जी, लोबिन जी और चमरा लिंडा जी ने निर्णय ले लिया है, खेला होवे। इधर गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने यह दावा ऐसे समय में किया है जब लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इधर आपको यह भी बता दें कि हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने पार्टी पर कई साजिश के कई आरोप लगाते हुए भाजपा का दामन थामा था। बीजेपी ने उन्हें दुमका लोकसभा से उम्मीदवार भी बनाया है। उन्होंने एक दिन पहले ही पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जेएमएम ने झारखंड को चारागाह बना दिया, मगर यह सब बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। पर निशिकांत दुबे के ट्वीट ने झारखंड की राजनीति को और भी गर्म कर दिया है। ऐसे में आगे क्या होता है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए देखते रहे सोशल संवाद। मैं आकाश, जय हिंद।